इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ के समीप से इकोट कॉरियर कंपनी के दौरान 2,07,000 लूटकांड को अंजाम देने वाले दो अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर की गिरफ्तारी। इस मामले में सिवान के एसपी ने शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जानकारी देते हुए ये बताया कि इन लोगों की गिरफ्तारी गुठनी थाना क्षेत्र के जतौर गांव से हुई है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास में से एक 9mm लोडेड पिस्टल, एक कारतूस और 25,000 कैश बरामद किए गए। वहीं इस मामले में दो अन्य अभियुक्त अभी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस छापेमारी कर रही है। इस गिरफ्तारी में स्थानीय थाना और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिन लोगों ने इसे गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के गुठनी मोड़ के पास इकोट कुरियर के कार्यालय से अपराधियों ने हथियार के बल पे 2,50,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। इंडियन टीवी न्यूज से अजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। मोर के पास एक दुकान है, ई कार्ट कुरियर कंपनी, उसके दुकान से अपराध कर्मियों के द्वारा 2,07,000 रुपया उसका लूट लिया गया था। उसके बाद हम लोगों ने उसको गंभीरता से लेके इसमें एक टीम बनाया गया, एसडीपीओ सदर और हमारा इंस्पेक्टर मैरवा और वहाँ के थाना प्रभारी डॉक्टर मैरवा, गुठनी, नौतन और दरौली, सभी थाना प्रभारी की टीम बनाई गई और इन लोगों ने उस घटना को के उद्भेदन के लिए उसी समय से काफ़ी प्रयास किया। इसमें जो भी तकनीकी अनुसंधान करना था या सीसीटीवी देखना था करके और तुरंत ही अपराधकर्मियों के का पहचान स्थापित किया और उसमें से इन लोगों ने दो अपराधकर्मी जिनका नाम है नूर हसन अंसारी उर्फ गुड्डन, रहने वाले हैं जतौर गुठनी के, और दूसरे हैं राजन सिंह लहरपुरा थाना दरौली के, इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से एक लोडेड पिस्टल जिसका इस्तेमाल घटना कारित करने में किया गया था, नगद 25,400 रुपया और सबसे बड़ी पहचान स्थापित करने के लिए जो फ्लिप ई कार्ट का जो इन्वेलप था, इन्वेलप जिसमें पैसा रखा हुआ था और उस इन्वेलप के साथ ही यह लूट का काम किया था, वह इन्वेलप भी रिकवर किया गया। इसमें जो अपराधकर्मी और इसमें दो अपराधकर्मी और शामिल हैं उनके लिए भी पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और उनका लोकेशन प्राप्त हो रहा है, तो शीघ्र ही उन दोनों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस प्रकार इस कांड घटना घटित होने के 48 घंटे के अंदर इस कांड का उद्भेदन भी हो गया और इसके जो मुख्य दो अपराधकर्मी थे जो क्राइम करने के लिए दुकान के अंदर घुसे थे उनकी पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है, तो यह कांड इस प्रकार से आपका उद्भेदित। सर, दोनों जो पकड़ाए हैं उनके ऊपर पहले से भी कोई अपराध? इनका पहले से भी क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल हिस्ट्री है ही लोग, कोई एक तो इसमें अभी हाल में गोपालगंज जेल से छूट के आया है, तो क्रिमिनल हिस्ट्री हम लोग पूरा खंगाल रहे हैं। इसके लिए होगा तो फिर आपको हम प्रेस ब्रीफ करके आपको बता दें। इसमें अभी एक फरार चल रहा है, दो फरार। ठीक, चलिए। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।